कितने देर वैसे झुक के रहेंगे जी, क्या होता है जी अपने को? नमस्कार, मैं इंचार्ज एसीपी चार्मी हूँ। मेरा संगत हमारा चांदमार इंस्पेक्टर गुरुनायडू साहब है। ये कोविड पैंडमिक के जरिए से जो हैदराबाद में तेलंगाना गवर्नमेंट जो लॉकडाउन का ऑर्डर दिया है, वो लॉकडाउन जो इंस्ट्रक्शंस काउंट करने के लिए हमारा पेट्रोकार बीसीस और ऑफिसर्स भी बहुत घूम रहे हैं, और कहीं लॉकडाउन को तोड़े जैसे कोई भी है तो भी उन्हें समझा रहे और उन्होंने रिपीटेडली वो वही काम कर रहा है तो उन लोगों के ऊपर कानून के जरिए से कार्रवाई कर रहा है। और सोशल डिस्टेंस भी पाबंदी नहीं करने से उन लोगों के खिलाफ भी, मास्क नहीं पहनने से उनके खिलाफ भी, और आदमी को जगह इकट्ठा करना भी उनके खिलाफ केस कर रहे हैं। और लॉकडाउन शुरू होने के बाद जो गाड़ियां पब्लिक गैर जरूरी घूम रहा है लोगों भी रोक के उनके खिलाफ भी कानून का कार्रवाई कर रहा है। ये हैदराबाद शहर में पुराना शहर में बहुत गलियां, छोटे छोटे गलियां हैं, उसमें मोटरसाइकिल में घूमना भी बहुत थोड़ा मुश्किल है। ये शाम होने के बाद पब्लिक बहुत बाहर आके खेल रहे और इकट्ठा हो रहे बोल के इंफॉर्मेशन आए, तो ये टू व्हीलर पे मैं मेरा इंस्पेक्टर दोनों डेली पेट्रोलिंग करके पब्लिक को समझाते हुए लॉकडाउन क्या है, इससे क्या अपने को नुकसान हो जाएगा, बाजू वाला और जिनसे बात करते हैं उन लोग कहाँ घूम के आया, किनसे मिलकर आया, वो नए मालूम होते उनके जरिए से कोविड अपने को अपने जरिए से घर में भी पहुँच सकता, वो ये ऐसा समझाते हुए हम लॉकडाउन टाउन करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो पब्लिक आवाम हमारा साथ दिया है वो उन लोगों के साथ से ये लॉकडाउन सक्सेस हो रहा है, हम भी यही चाह रहे और सख्त कार्रवाई करने के लिए उन आप आवाम का मदद चाहिए। और गैर जरूरी आवाम से गुजारिश है, गैर जरूरी आप लोगों बार मत